जियो कॉलर ट्यून को लेकर पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई सारे सवाल आए कि भैया जियो में कॉलर ट्यून कैसे लगाते हैं, जियो में अपने नाम की कॉलर ट्यून कैसे लगाते हैं, जियो में अपने मनपसंद का गाना कैसे सेट करते हैं, जियो में जो फ़ोन करने से पहले एक गाना सुनाई देता है वो कैसे सेट किया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जियो फ़ोन के अंदर अपने नाम की कॉलर ट्यून कैसे सेट करते हैं, तो फटाफट से अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ में ही एक बेल आइकन भी ऑन हो जाएगा, उसे भी आपको साथ के साथ ऑन कर देना है। और उसके बाद कमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको अपना सिंपल नाम लिख देना है जिस नाम से आप कॉलर ट्यून बनाना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पर ले चलता हूँ। राहुल को कॉल करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जियो फ़ोन के अंदर अपने नाम की कॉलर ट्यून सेट करना बहुत ही सिंपल है और आसान है। चाहे आपका वो कीपैड वाला फ़ोन है, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, सिम आपकी जियो की होनी चाहिए। सिंपल आपको उस फ़ोन के अंदर अपना मैसेज बॉक्स खोलना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको एक न्यू मैसेज टाइप करनी होगी और इसे सेंड करना है आपको 5 6 7 8 9 पर। नंबर ध्यान रखिए और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। जैसे कि आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देंगे और इसे सेंड कर देंगे अपने जियो नंबर से, और थोड़ी सी देर यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक मैसेज इनबॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। देखिए थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे पास मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास गानों की और नाम की लिस्ट आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लिस्ट से जो भी आपको नाम पसंद आता है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर पहले नंबर पर ही मेरा नाम मिल गया, तो मैं यहाँ पर एक नंबर टाइप करके और इसे दोबारा से सेंड कर दूँगा, और थोड़ी सी देर फिर से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव सेलेक्ट राहुल एज योर जियो ट्यून, प्लीज़ रिप्ले टू दिस SMS विद द ऑप्शन नंबर ऑफ द योर चॉइस टू सेट दिस ट्यून फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से ऑल पर जैसे ऑल लिखा हुआ है तो एक नंबर दबाना है, दोबारा से इसे सेंड कर देना है। बस थोड़ी सी देर इंतज़ार और करना होगा, हमारी जो कॉलर ट्यून है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमें एक मैसेज अलग से प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा बैक हो जाते हैं एक बार और यहाँ पर दोबारा से इस मैसेज के अंदर जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं डियर कस्टमर यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ जियो टून सर्विस टू कन्फर्म प्लीज़ रिप्लाई बाई। तो यहाँ पर हम रिप्लाई में बाई लिख देंगे, ठीक है, उसे दोबारा से हम सेंड कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारी जो कॉलर ट्यून है अपने नाम की वो हमारे नंबर पर सेट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैसेज भी आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर कस्टमर एज पर योर रिक्वेस्ट योर जियो ट्यून सॉन्ग हैज़ बीन चेंजेड। मतलब हमारा जो सॉन्ग था वो हमारा पहले से एक मैंने सॉन्ग लगा रखा था वो अब चेंज हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे नाम की कॉलर ट्यून यहाँ पर सेट हो चुकी है, तो मैं इसे अब आपके लिए चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कॉलर ट्यून बजेगी। राहुल को कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपके फोन का जवाब दिया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें।